आज मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात है। आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री का 9वीं बार शपथ लिए हैं, हम उनको शुभकामना देंगे और समझेंगे कि बिहार को आगे बढ़ाएं, इसकी शुभकामना। देखिए वो उनको हम कहेंगे संघर्ष करें, आगे बढ़े, ऐसे बातों करने से कुछ होना नहीं। कहा कि हमारे कामों को जो है ये लोग अपने नाम क्रेडिट ले रहे हैं। 5 दिन में कोई काम नहीं करते, इतना करना उनके 15 साल उनके पिताजी क्या कर रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं, जो काम करेगा कुकर्म करेगा उसके पीछे पड़ेंगे, सबके पीछे काम फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन। सबसे पहले तो आपको बधाई हो। धन्यवाद। आगे अब कैसे देख रहे हैं, क्या एनर्जी और क्या ऊर्जा के साथ आप लोगों की अब रहेगी तैयारी? पूरा ऊर्जा है, गठबंधन जो बना है एनडीए गठबंधन यही सही गठबंधन था। माने नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने गठबंधन को चुना है। बिहार के विकास का ही ये गठबंधन है और सुशासन का गठबंधन है। हम समझते हैं हम नई ऊर्जा नई जोश के साथ बिहार को आगे बढ़ाने में काम करेंगे, और क्योंकि हम लोग के नेतृत्व आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हमारे SSP प्रधानमंत्री हैं, यहाँ नीतीश कुमार जी हैं, और हम सब मिल करके एक नया बिहार बनाने का काम करेंगे। एक सवाल है कि आप लोगों ने कुछ नीतीश कुमार से जो है आग्रह भी किया है आरक्षण को लेकर, क्या आपकी मुलाकात भी होने वाली है? आज मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात है। आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री का 9वीं बार शपथ लिए हैं, हम उनको शुभकामना देंगे और समझेंगे कि बिहार को और आगे बढ़ाएं, इसकी शुभकामना। देखिए वो उनको हम कहेंगे संघर्ष करें, आगे बढ़े, ऐसे बातों करने से कुछ होना नहीं। कहा कि हमारे कामों को जो है ये लोग अपने नाम क्रेडिट ले रहे हैं। 5 दिन में कोई काम नहीं करते, इतना करना उनके 15 साल उनके पिताजी क्या कर रहे थे। अब आगे क्राइम को भी कैसे आप लोग चुनौती? एकदम क्राइम रुक जाएगा, उनका हटते ही क्राइम रुक जाता है। क्राइम का तो रिमोट कंट्रोल उन्हीं के पास था ना, तेजस्वी यादव के पास। यस, निश्चित तौर पे। एक सवाल है, CBI और ED को लेकर के अभी चल रहा है, CBI और ED को लेकर के अभी जो लालू परिवार पर संकट है। अरे ऐसा कुछ नहीं, जो काम करेगा कुकर्म करेगा उसके पीछे पड़ेंगे, सबके पीछे कहाँ कोई पड़ता है। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन का। बता दें कि आज जीतन राम मांझी सहित जो 4 विधायक है उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होने वाली है। जैसा कि जीतन राम मांझी से भी जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ डिमांड है जो नीतीश कुमार के सामने रखेंगे, आरक्षण को लेकर के है और भी कई तरह की बातें जो है। जीतन राम मांझी की बात जो है होने वाली है मुख्यमंत्री से, क्या बातें होंगी जो वह भी न्यूज फाउंडेशन आप तक जरूर पहुंचाएगा। बता दें कि जिस तरह से संतोष कुमार सुमन ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया और कहा कि क्राइम तो उनके हाथ में रिमोट था और अब रिमोट जो है NDA गठबंधन के साथ अब आए हैं, अब क्राइम के साथ साथ तमाम चीज़ें में जो है अब सही से काम करेगा। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।